तो आप हनुमान जी से कम थोड़ी है, हमारे पूरे मंगलुरु की धरती का हर वीर पुत्र हनुमान जी की बराबर। तो उठा लो हनुमान जी की गदा, उठा लो भगवान श्री राम का धनुष और उनसे कहो हमारे भारत देश में भोकने वाले लोगों की कमी नहीं है। भाग्यनगर जिसको आज हैदराबाद कहा जाता है, वहाँ दो गीदड़ रहते हैं, सभी जानते हैं ना। वो गीदड़ इतना चिल्लाता है लेकिन सिर्फ अपने झुंड में चिल्लाता है। उस गीदड़ की इतनी औकात नहीं है कि हिंदुओं के सामने आके कुछ बोल सके। अपने झुंड में वो होता है ना, एक गीदड़ बोलता है तो पीछे पीछे सारे गीदड़ चिल्लाने लगते हैं और कुछ हिंदू डर जाते हैं कि ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है। अब उसकी बात का अंदाजा आप इसी शब्द से लगा सकते हैं कि उसने कहा कि 25 मिनट के लिए पुलिस से हटा दो, इसका मतलब उसको पुलिस से डर है। ये जो पुलिस है ना, इनके अंदर भी हिंदुओं का खून है। अगर भारत की पुलिस को ललकार के कहता है ना, भारत की पुलिस अगर चाह ले वो तो राम जी का उसने नाम लिया, भले गाली दी उसने, वो तो उसने राम जी का नाम लिया, इसलिए अभी तक जिंदा है भैया, वरना उसकी हड्डियां कहां जाती पोस्टमार्टम के लिए भी दिखाई नहीं देती। होते ऐसे कई लोग, होते ऐसे गीदड़ जो रहते भारत देश में है, खाते भारत देश की और बजाते पाकिस्तान के, ऐसे देशद्रोहियों को जूते मार के भारत देश से निकाल देना चाहिए। कई लोग कहते साध्वी जी आप तो संत है, संतों को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, संतों को गालियां नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा भैया अब हम उस परंपरा के संवाहक नहीं रह गए जो परंपरा में कहते थे कि कोई इस गाल पे मार दे तो भैया ये गाल भी दे दो। नाना बहुत मार लिया और बहुत मरवा लिया, अब तो थप्पड़ मारने मरवाने की बात नहीं है कि कोई इस गाल पे मारे तो ये गाल भी दे दे। हम बहुत कह चुके, एक दो और सुना होगा आपने, दोहा सुना होगा, उसमें कहा जाता है दो जोतों को काटा वो है ताको वो तुम फूल और ताको फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। मैं कहती हूँ नहीं नहीं अब फूल जो त्रिशूल वो है उसको फूल मत देना, जोतों को काटा वो है। हिंदू याद रखना ये लाइन हमारे भारत देश की संतों की है। ये जो बात मैं आज मन से बोलूंगी आप सबके लिए है, गांठ बांध लो इस बात को कि जोतों को काटा वो है ताको वो तुम भाला और अवैसी साला क्या याद रखेगा अपना हिंदू से पाला। अगर भारत देश में जिसे रहना होगा उसे वंदे मातरम कहना होगा। भारत देश में राम मंदिर पे इतने सारे अर्चना रहे हैं, कभी कहता है कोर्ट निर्णय करेगी, आप बताओ राम मंदिर का निर्णय क्या कोर्ट करेगी? नहीं, ये हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं की श्रद्धा है। हम सभी चाहते हैं ना राम मंदिर बने, हाथ उठाइए, सभी चाहते हैं ना राम मंदिर बने। हैदराबाद में कहा जाता है हम राम मंदिर बनने नहीं देंगे, वो कहता है राम जी के माता पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि ओवैसी तू क्या तेरा बाप भी आ जाए तो राम मंदिर बनने से रोक नहीं सकते, और तेरा बाप क्या पूरा पाकिस्तान भी आ जाए ना तो राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस मंच से कहते हैं हम, इस मंच से कहते हैं कि राम मंदिर तो बनेगा, अयोध्या में बनेगा और दूसरा राम मंदिर इस्लामाबाद में बनेगा, और ये सारे हिंदू जाके वहां पे पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे। हमें कहा जाता है हम धर्मांतरित करते हैं, हम धर्मांतरित करते हैं नहीं, हम तो घर वापसी करते हैं, धर्मांतरण तो वो करते हैं। एक मुट्ठी चावल दे दिया राइस क्रिश्चियन बन गए, एक पैरासिटामोल की टैबलेट दे दी वो धर्मांतरित हो गए। हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जाता है, अस्मिता को लूटा जाता है, लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। अपनी बहनों के हाथ में घर जाते ही एक एक तलवार पकड़ा देना, एक एक शस्त्र पकड़ा देना और कहना बहन याद रख कोई भी मुसलमान तेरी तरफ आंख उठा के देखे तो सबसे पहले इसी तलवार से उसकी गर्दन को काट देना, पर कभी लव जिहाद का शिकार ना होना। भैया आपको पता है इनका दूसरा जिहाद है लैंड जिहाद। गली में जाओ आप, बेंगलोर रोड में चले जाओ, मुंबई रोड में चले जाओ, कहीं भी जाओ, हर 10 किलोमीटर पे छोटी सी जगह पे हरा हरा चादर उड़ा देते हैं और अल्लाह अल्लाह करके हल्ला करना शुरू कर देते हैं। हमें तो भैया परमिशन मांगनी पड़ती है, हमने कहा शाम को प्रोग्राम कराना चाहिए, थोड़ी धूप है तो कहा नहीं साध्वी जी यहाँ तो परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम कहते हैं वाह, हम अगर माइक चलाए तो उनको परेशानी होती है, यहाँ के गवर्नमेंट को सरकार को सबको परेशानी होती है, और उनका तो सुबह 5 बजे से जो क्लो
होता है महाराज, रात तक बंद नहीं होता, तब सरकार की कान बहरे हो गए, तब समझ में नहीं आता, तब ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, तब साउंड पॉल्यूशन नहीं होता। मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रही थी कि लैंड जिहाद जिसकी बात मैं कर रही थी, केरला के और असम के ऐसे बहुत सारे शहर है जहाँ वो रोज रोज दिन में 5 बार रोड को ब्लॉक करके नमाज पढ़ते थे। कहा गया कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा क्यों करते हो, रोड पे क्यों, मस्जिद पे पढ़ो, तो कहा नहीं नहीं हमारे पास ना जगह नहीं है। तो 6-7 मंजिले की मस्जिद बनवाई गई, बकायदा गवर्नमेंट ने उनको डोनेशन दिया, 6-7 मंजिले की उनकी मस्जिद बनवाई गई। और कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब रोड ब्लॉक नहीं की जाएगी, सबको परेशानी होती मस्जिद में नमाज पढ़ो, पर उनके गुंडागर्दी देखिए, उनकी दादागिरी देखिए कि रोड 5-5 बार में वही रोड पे नमाज पढ़ते हैं, रोड को ब्लॉक करते हैं। क्या सरकार अंधी हो गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाई नहीं देता कि हमारे इस निर्णय को नकार दिया है? और अगर हिंदू एक जरा सी गलती कर दे तो सांप्रदायिक दंगे हिंदू कराते हैं, हिंदू ऐसा करते हैं, हिंदू वैसा करते हैं। अरे जी तो हिंदुस्तान आप कुछ भी करे, ये हमारा घर है, ये हमारी भूमि है, हम चाहें तो किसी को लात मार के अपने घर से बाहर निकाल दें, किसी का घर थोड़ी है, ये तो हमारे भारत भूमि है, ये हमारा देश है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने घर में हम अतिथि की तरह, हम अपने ही घर में बेगानों की तरह रहते हैं, हम अपने ही घर में पराये की तरह रहते हैं। और किसी देश में जाके देखिए, हिंदुओं का कोई मानवाधिकार है ना, उनको वोट बैंक, उनको ना वोट देने का अधिकार है, ना उनको कोई मानवाधिकार वहाँ पे प्राप्त है। भारत देश में देखिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इतने सारे अधिकार इन मुसलमानों को दे के रखा गया है, इतने सारे अधिकार। भारत देश में ही इतना अन्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ कि ये अगर हज करने जाए तो इनको सब्सिडी दी जाती है और हिंदुओं को अमरनाथ की यात्रा में उल्टा टैक्स भरना पड़ता है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का धर्म है बताइए आप? हिंदुओं को गालियां दी जाती है, हिंदुओं को सरेआम बेइज्जत किया जाता है, भारत माता को गाली दी जाती है, जगह जगह ये मस्जिद बना करके बैठे हैं। अगर हम थोड़ी सी जगह पे हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बना लें तो बड़ी बड़ी आजकल तो ऐसी अभद्र सी फिल्में आ रही है भारत देश में, उन फिल्मों को देखिए, ये सारे पाकिस्तान से डोनेशन आते हैं ऐसी फिल्मों को बनने के लिए, और वो फिल्में चलती है भारत देश में हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, और हिंदू चुप बैठते हैं। बार बार हमें आह्वान किया जाता है लड़ने के लिए, लेकिन नहीं, अब हम भी शांत रहने वाले नहीं है, हम इसका जवाब पत्थर से देंगे। अगर हनुमान जी और राम जी कह देते कि भैया शांति से काम होता है, राम जी भी कह देते कि भैया एक काम करो, लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं, एक एक चरखा पकड़ लेते हैं और सूत काटना शुरू कर देते हैं, रावण को बढ़िया सा सूत बना के देते हैं, सीता जी को वापस कर देगा, तो राम जी ने चरखा नहीं पकड़ा था महाराज, राम जी ने धनुष और बाण उठाया था, हनुमान जी महाराज ने अपनी गदा उठाई थी जब जाके माता सीता वापस आई थी। यहाँ पे लोगों को बड़ा बनाने के लिए कह दिया जाता है, देवी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आप किसी छोटे से जो स्कूल में पढ़ता ना, फर्स्ट क्लास से उस 5 साल के बच्चे से पूछ लेना, वो बच्चा भी बता देगा कि बिना लड़े आजादी नहीं मिली है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह महाराज, कितने कितने वीरों ने अपने सिर कटाए हैं तब जाके आजादी मिली है। और हमने कह दिया शांति से आजादी मिल गई, शांति से आजादी नहीं मिलती बंधुओं, हमें शस्त्र उठाना पड़ता है। आज संतों को भी अपने शस्त्र छोड़ के शस्त्र उठाने पड़ेंगे, शांति छोड़ करके क्रांति लानी पड़ेगी, तभी भारत विश्व गुरु के पद में प्रतिष्ठित होगा। हमें कैसा कहते हैं कि हम धर्मांतरित करते हैं, जब ये धर्मांतरित तो होते हैं, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता है, हिंदुओं को ईसाई बनाया जाता है, तब मीडिया कहाँ चली जाती है? आज तो मीडिया इतना डंका फाड़ कर के कह रही है घर वापसी, जैसे हमने कोई पाप कर दिया हो, अपने घर के लोगों को वापस हम अपने घर में ला रहे हैं, तो क्या हम कोई पाप कर रहे हैं? क्या हम कोई पाप कर रहे हैं बताइए? पाप तो तब होगा जब हमारे घर से कोई हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे भाई को हमारे धर्म से वंचित करा करके अपने धर्म में ले जाएगा और हम आके फाड़ फाड़ के देखते रहेंगे, पाप तो तब कहलाएगा। हमारे जहाँ पे धर्मांतरण किया जाता था, बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में जब हम जाते थे तो देखते थे कि गांव के गांव धर्मांतरित हो रहे हैं, उनको अनाज चावल दे दे करके धर्मांतरित किया जाता है। जब संत वहाँ पे गए, संतों ने पूछा कि पहले तो सभाएं होती थी तो बहुत हिंदू आते थे, अब कहाँ गए हिंदू? बोले महाराज कोई हिंदू रह ही नहीं गया।
आगे सारे हिंदू बोले सब धर्मांतरित हो गए, सबने एक एक क्रॉस पहन लिया। बोले ऐसा हुआ कैसे? बोले उनके 20-25 पादरी आए और कहा देखो भैया जिसके भगवान में ज्यादा शक्ति होगी उसी का धर्म स्वीकार कर लेना। कहा ठीक है। तो एक टब, बड़ा सा टब लाए और उसमें पानी भरा और पानी भर के हनुमान जी की मूर्ति को लाए और मूर्ति को डाला, मूर्ति डूब गई पानी में। तो कहा देखो इनके भगवान तो खुद डूब गए, हमको क्या खाक बचाएंगे, क्या खाक उबारेंगे। अच्छा रुको रुको अभी हम अपने भगवान को डालते। तो उन्होंने एक लकड़ी के क्रॉस को डाला, तो लकड़ी का क्रॉस था तो वो तैरता रहा। जब क्रॉस तैरता रहा तो कहा कि अब आप धर्मांतरित हो जाओ, ये क्रॉस है और ये हमारे जीजस है। ये सबने गले में एक एक क्रॉस पहन लिया। हमने कहा नहीं भैया ये सब ऐसा तो नहीं चलता, एक काम करो फिर से गांव वालों को बुलाओ। साहब को पूरे गांव वालों को बुलाया, उन पादरियों को भी बुलाया और संतों ने कहा सुनो भैया हमारे यहाँ जल को माँ कहा जाता है, गंगा मैया यमुना मैया, और माँ की कभी परीक्षा नहीं ली जाती। हमारे यहाँ जल की परीक्षा नहीं होती, हमारे यहाँ तो अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा बड़ी सी विशाल अग्नि लगाई गई, बहुत बड़ा अग्नि का झुंड लगाया गया और हनुमान जी महाराज की मूर्ति को रखा गया। मूर्ति तो ऐसे चमक रही थी जैसे सोना अग्नि में चमकने के बाद कुंदन बन जाता हो। लेकिन लेकिन जैसे ही उनके गले से लकड़ी के क्रॉस को निकाल के डाला गया, सारे क्रॉस धू धू करके वहीं पे जल करके भर गए। अब भैया जो खुद ही जल गया वो खाक हमारी रक्षा कर पाएगा? कहा गया है कि ईसा कौन है, भगवान के बेटे ना, और गीता में भगवान ने क्या कहा है पता है, ममय वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये जीव हर जीव ईश्वर का अंश है, हर जीव भगवान का पुत्र है। तो भैया हम भगवान के खुद पुत्र है, हमें किसी और की जूठन चाटने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद भगवान के पुत्र है। हमें इतनी बड़ी विरासत दी गई है तो हमें धर्मांतरण के नाम पे ताने ना दिए जाए। हम धर्मांतरण नहीं घर वापसी करते हैं। भारत देश में जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनको 125 करोड़ बना करके दम लेंगे तब घर वापसी का कार्यक्रम सिद्ध हो जाएगा। और अगर ऐसे ही ताने मारते रहे कि हम धर्मांतरण करते हैं ना, तो अभी तो हम धर्मांतरण करनी है। और अगर धर्मांतरण करने पे आ गए ना तो पाकिस्तान अफगानिस्तान अरब देश जहाँ जहाँ भी नजर जाएगी हिंदुओं के सिवा और कोई दिखाई देने वाला नहीं है अगर हम धर्मांतरित करने पे आ गए तो। हमें बार बार कहा जाता है कि युद्ध करो, तो कब तक शांति चलेगी, कब तक शांति चलेगी, शांति कब तक चलेगी बताइए। सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे, जिसने चाह उसने लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारा कायरता की गाथा है, इस आर्य संस्कृति का देखो कितना कल्पित माथा है। सहते सहते जन्म हम इस कगार तक आ पहुंचे कि महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठा के हाथों में। एक बात तो कहो हिंदू हिंदुस्तान हमारा है, एक बात तो कहो हिंदू हिंदुस्तान हमारा है। ये भारत भूमि हमारी माँ है। हमें बार बार लड़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भारत की सत्ता से कहते लड़ो और नेता कहते हैं लड़ो मत, पाकिस्तान से हाथ जोड़ते कहते मैं पाकिस्तान से निवेदन करता हूँ कि शांति बनाए रखे। अब शांति से कुछ होने वाला नहीं है, शांति से अब कुछ भी होने वाला नहीं है, बहुत हो गई शांति। सदियों से हम विश्व शांति का अनुष्ठान करते आए, मानवता के हित चिंतन का वृंद गान करते आए, किंतु समर की वेला में हम महाकाल बन जाते हैं, वक्ष फाड़ के दुश्मन का लहू तक पी जाते हैं। 17 बार क्षमा करने की परंपरा हम छोड़ चुके और अबला रहम की आस लगाना सबसे वैदिक चौहान पे, क्योंकि ये जो भगवे दिख रहे ना, अबला रहम की आस लगाना सब्द वैदिक चौहान पे, क्योंकि अब की भगवान लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पे। बार बार हमें युद्ध के लिए कहा जाता है ना, तो करो युद्ध, हमारा कोई घाटा नहीं होगा। हाँ हमें अभी कहा गया 25 करोड़ हिंदू मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को मार डालेंगे, 25 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। याद है ना एक बार पुलिस हटी थी 6 दिसंबर के दिन, बाबरी का ढांचा चकना चूर करके रख दिया था बजरंग जी। मैं तो कहती हूँ पुलिस को भी शामिल कर लो, ये जो पुलिस वाले हैं इनके अंदर बहुत अंदर से आग जल रही है, इनको तो ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं वरना ये खुद ही कम का इनको मिटा करके तहस नहस करके चकना चूर कर दो। इतनी आग जलती है ना इनके हृदय में जब ये देखते हैं मुझे। कई सारे लोग कहते हैं साथी जी हम ये करना चाहते हैं, तो हम भी आज कहते हैं इसी मंच से कि करो युद्ध, हम भी अपना सपना सच कर लेंगे, सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा